जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप लोग सभी लोग कैसे हैं? और आपकी जो क्लास चल रही है बेहतर ढंग से मैं चला रहा हूं और आप डीलिट फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का क्लास देख रहे हैं। आज हमने पढ़ा था क्या गुणा और भाग की संकलन तथा संक्रियाएं, उसमें से कुछ सवाल अभी हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखो, कहता क्या आता तो बहुत सरल है एग्जाम में, लेकिन लड़के गलत कर देते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों, पहला सवाल कह रहा है क्या, कह रहा है 8 पेन है, प्रत्येक बालक को दो दो पेन दिए गए, दो दो अगर शब्द जोड़ा दिए, नहीं कि 4 दे दिए गए, मतलब केवल 2 दिया गया, तो कितनी बालकों को पेन मिले? तो पेन जब ऐसा सवाल आता है तो एग्जाम में आप क्या करिए, 8 में 2 का भाग दे दिए, 2 चौको 8, तो कितने बालक को मिल गए पेन? इतने बालक को क्या कर गए, 4 लड़के को या 4 बालकों को पेन मिला, बालकों को पेन मिला। ये आपका पहला सवाल है, ठीक। दूसरा सवाल क्या कर रहा है मेरे प्यारे साथी, ध्यान देखना, निम्नलिखित का भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चीज मैं बताना जा रहा हूं उसको ध्यान से करना, जिससे हम क्या करते हैं यहां पर जो उसमें भाग देते हैं इसे भाज्य बोलते हैं। देखो यहाँ पर बताता हूँ, पहले अभी आपको क्लियर करता हूँ सब, पहले सवाल को देखो, पहले सवाल के माध्यम से बताता हूँ। देखो पहला सवाल क्या कर रहा है, भागफल था भाजफल के, भागफल जो प्राप्त होता है, शेषफल जो नीचे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, 205 का भाग कितने में देते हैं, 7,85,416 में हमें भाग देना है। लड़के यहाँ पर कंफ्यूजन करते हैं कि कितना में हम भाग दें, समझ नहीं पाते हैं, आप गलती नहीं करना। देखिए यहाँ पर इसका न्यूनतम राशि शुरू वाले से 2 चौको 8, इससे अधिक हो गया ना, इससे कम वाले चलेंगे तो कितने हैं, 3 से। देखो यहाँ फिर यहाँ से गुणा करते हैं, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6, आप घटाते हैं, 5 में 5 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 7, यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। अब ऊपर से उतारते हैं 4, अब 4 उतार लेंगे, फिर देखो 2 से जब भाग देंगे तो 2 से जब भाग देंगे 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16 पर जा रहा है, 2 × 8 = 16 पे चेक कर लेते हैं, देखो 8 × 5 = 40, यहाँ पर 8 × 16, अब घटाओ हम देखो 4 आ गए, यहाँ कितना बचेगा, 0 में 4 नहीं जाएगा, इसे 80 लगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ कट जाएगा आपका कितना ही बचेगा। अब ऊपर से उतारते हैं 1, अब देखो कितनी बार जाएगा, 2 × 3 = 6, 3 बार जाएगा, ध्यान समझना है यहाँ पर, जब भागेंगे यहाँ पर देखो तो कितनी बार, 3 बार, तो 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, देखो 15, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 80 लगा तो कितना, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यहाँ कट जाएगा। अब ऊपर से उतार देंगे 6, अब बताओ कितनी बार जाएगा, 1 बार में, यहाँ 1 बार लिख दूँ, ये क्या है ध्यान देखना, जब 205 यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 6 कट गया, यही इसका शेषफल है, ये इसका भागफल है दोस्तों, क्या है, भागफल। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से, जब ऐसी कंडीशन आती है, ध्यान समझना, जब भाग ऐसे निकालते हैं हम, तो यहां पर क्या होता है, भाज्य होता है, ये हमारा भाजक होता है, यहां जो प्राप्त होता है इसे हम बोलते हैं भागफल, और जो नीचे होता है दोस्तों यहाँ पर बचता है उसे बोलते हैं हम लोग शेषफल। एक सूत्र जनरेट होता है, सूत्र को आप क्या करना, अच्छे से याद रखना, ये सूत्र है कि यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा। देखो मैंने ये दूसरा का पहला बता देते कि दूसरा का आप दूसरा कर लेंगे, मैं आशा और ये उम्मीद आपसे करता हूं, ठीक है मेरे प्यारे साथी। देखो आप यहाँ पर तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं तीसरा देखने के लिए लगाइए आपका एग्जाम में आपका बेहतर होना चाहिए, इसलिए बेहतर होना चाहिए कि क्योंकि आप का नंबर लाना है 25 में 25,
अब पढ़ते रहना है बिट्टू सर के क्लास से, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, मैंने जो सूत्र बताया ना सेम वैसे ही कह रहा है कि यदि भाजक 483, भागफल 403 तथा शेष 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अभी मैंने सूत्र क्या बताया आपको प्यारे भाई कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, अभी बताया ना मैंने, ऐसी पर सूत्र पर आप सवाल लगा देंगे। देखो होगा क्या, भाजक कितना है 483 रख दो यहां पर, फिर भागफल कितना है 403 और फिर शेष कितना है 50। पहले क्या करिए, गुणा करिए। देखिए यहां पर 483 में 403 का गुणा करते हैं, 3 तिली के 9, 3 8 24 को 4 से लगा दो, 3 चौको 12, 12 दू 14, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही होता है, 4 तीन 12 को 2, फिर 4 बटे 24, 4 बटे कितना आ जाएगा, 4 बटे बताइए, 4 बटे 24 नहीं, 4 बटे 32, 32 अदू 32, 32 से कितना हो जाएगा बताइए, 33 को 3 हासिल, 4 चौको 16, 16 3 19। ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, गुणा वाला एकदम सेम होना चाहिए। देखो जब गुणा किए तो हमारा कितना आ गया, अब देखो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ इसको, देखो 3 तिली के 9, 3 8 24 को 4, 3 चौको 12 दो 14, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं 0, 3 4 तीन 12 को 2, 4 8 32, 32 से 33, 4 चौको 16, 16 3 19, जोड़ दे, कितना जोड़ना है 50 ना, 50 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा 9, 9 6 4 9 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप इस तरह पूरा लिख दोगे आपका फुल नंबर 2 नंबर मिल गया। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल को आप देखेंगे ध्यान से, चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल देखो बहुत ही सरल है, लड़के इस सवाल को एग्जाम में गलत कर देते हैं लेकिन आपको गलत नहीं करना मेरे प्यारे भाई। कह रहा है 21 भागे 3, देखो यहाँ पर 21 भागे 3 बराबर 7, तो कह रहा है का संगत गुणात्मक, संगत गुणात्मक क्या है, संगत गुणात्मक कितना है 3 गुणे 7 बराबर 21, बस यही दिया है। तो कह रहा है कि निम्नांकित तत्वों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए, तो पहला सवाल क्या है इसमें, तो 56 भागे 8 बराबर 7, तो इसका संगत गुणात्मक क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, एकदम आसान सवाल एग्जाम में जो लड़के करते हैं, करना क्या है देखो, जो यहाँ भाग देना इन दोनों का गुणा कर दो, 8 गुणे 7 बराबर 8 सत्य 56, बस यही संगत गुणात्मक बोला जाता है। दूसरा देखो क्या है, 66 भागे 11 बराबर 6, तो संगत गुणात्मक क्या हो जाएगा, 11 गुणे 6 बराबर 66, बताओ आपका नंबर मिल गया, एक नंबर कहीं नहीं गया, देखो कितना आसान है। इसी तरह आपको लगाना है पांचवा सवाल, पांचवा सवाल क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। सीधी सी बात है, 117 में 13 का भाग दे दो, जब 13 का भाग देगो तो कितना बार आएगा, 13 नवा 117, 9 बार आ गया, यानी कि इसे 13 गुणे 9 भी कह सकते हैं कि नहीं, बराबर 117, यानी कि कह सकते हैं कि गुणा के रूप में व्यक्त करते हैं, जब 13 एक संख्या है तो दूसरे का 9 है, यही हमारा आंसर है। अब बताओ लड़के गलती क्या करते हैं, अनुभव नहीं होता है यानी कि समझ नहीं होती है तो यही गलती करते हैं, आपकी गलती होनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब देखो यहाँ पर छठवां सवाल क्या कहता है, छठवां सवाल देख लो, छठवां सवाल या तो आप अपने से करिए या तो मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने से करिए, बताइए छठवां सवाल करना क्या, क्या कारण, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या P संभव है कि P भागे P बराबर 1 हो सकता है, तब जानते हो कि अगर मान लो P बराबर, माना P बराबर 1 हो, कितना हो 1 हो, तो जब P बराबर 1 हो तब 1 में अगर 1 से भाग देते हैं तो हमारा 1 प्राप्त होता
तो यानी P बराबर हमारा एक होगा तभी संभव है, यदि P बराबर कोई भी पूर्ण संख्या अगर मानते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी P बराबर हमने अगर मान लिया पांच, देखो पांच में अगर पांच से भाग देंगे तो हमारा एक आएगा न कि P आएगा, इसलिए हमारा P बराबर कौन सा मान्य होगा, P बराबर एक, एक भागे एक यानी कि एक। ये आपका छह सवाल था, आप ये बताओ मेरे प्यारे साथियों को समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आ गया हो तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई। चलो ये देखो आगे आगे लगाइए सवाल, आप लोग देख रहे होंगे अभी सवाल मैंने बताया आपका छह तक हो गया सवाल, ये मान लीजिए सातवां हो गया, ये आठवां, नौ और ये सब प्लस दस। देखिए आप जब लगाते हैं मेरे प्यारे साथी, कह रहा क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं ए तथा बी के लिए ए भागे बी बराबर बी भागे ए संभव है, मतलब पूर्णतर शून्येतर पूर्ण संख्या है, मतलब कोई अंक हो, जैसे मैं मान सकते हैं अगर पांच में अगर पहला सातवां सवाल का हल देखते हैं दोस्तों, कह रहा है अगर मान लो ए भागे, देखो यहाँ पर बी दिया है बराबर बी भागे ए दिया है, कोई अलग अलग संख्याएं दिया है, तो देखो यहाँ पर अगर यदि हम मानते हैं कि ए बराबर हमने रख दिया दो और बी बराबर हमने रख दिया तीन, तो देखो अगर ए में अगर हम बराबर तीन यानी कि दो में अगर हम तीन का भाग देंगे और तीन में दो का भाग देंगे तो क्या ये संभव है, देख रहे हैं आप ये संभव नहीं है, इसलिए लिखेंगे नहीं। और क्या दो विभिन्न सूत्र पूर्ण संभव है, तो लिखेंगे नहीं यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, कोई भी संख्या रखेंगे तो आपका संभव नहीं। सातवां आठवां सवाल आपका क्या कह रहा है, और आठवां आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझना है मेरे प्यारे साथियों, आठवां सवाल बहुत ही बेहतर ढंग से समझना है। देखो क्या कह रहा है, देख रहे हैं आठवां जो सवाल कह कह रहा, पढ़ना ध्यान से तो एकदम अच्छे से करो कि मेरे प्यारे भाई, कह रहा महेश ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि इसका भागफल, ध्यान देखना भागफल, भागफल आपको याद होगा मैंने क्या भागफल बताया था शेषफल, देखो अब क्या कर रहा है भागफल जो कहे उसे रखो, भागफल शेषफल का चार गुना है, भागफल जो है शेषफल का कितना है चार गुना है, शेषफल का चार गुना, यही कह रहा है एग्जाम का प्रश्न। तथा भाजक, भाजक क्या है मेरे प्यारे भाई, देखो यहाँ भाजक, भाजक क्या रखा है, भाजक भागफल का अठारह गुना है, यानी कि भागफल का अठारह गुना, गुना का मतलब होता है गुणा, यदि शेषफल बावन है मतलब यहां शेष जो दिया है बावन दे दिया है तो का मतलब गुणा, चार गुणा का मतलब चार से गुणा कर दो, ये शेषफल हमारा देखो यहां दे दिया, यदि शेषफल बावन है तो भाज्य बताओ, अभी भाज्य बताएंगे पहले भागफल और भाजक निकाल लें, देखो बावन से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, चार चार गुना के आठ, चार पच्चे बीस यानी कि दो सौ आठ आ गए, और भाजपक भाजक निकालेंगे तो भागफल कितना आ गया हमारा दो सौ आठ, यहाँ भागफल दो सौ आठ रखेंगे, अब का मतलब गुणा अठारह, गुणा का मतलब अठारह से गुणा कर देंगे, अब अठारह का गुणा इसमें करना है हमें, कितने का गुणा करना है अठारह का गुणा करना है, तो अठारह वाट है कितना होता है आप पहले तो यह ना चाहिए कि नहीं, तो ये बताइए कि अठारह वाट है कितना होता है, तो अठारह वाट है एक सौ चौवालीस होता है, एक सौ चौवालीस यहाँ पर रखेंगे तो हासिल लगा एक, अठारह दुना छत्तीस, छत्तीस एक सैतीस यानी कि कितना आ गया भाजक तीन हजार सात सौ चौवालीस। अब हम जानते हैं भाज्य बराबर, अच्छा भाज्य पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, तो भाज्य बराबर सूत्र क्या जानते हैं, भाज्य बराबर जानते हैं कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही जानते हो ना, आप पहलू रख दो आपका भाज्य आ जाएगा, देखो भाजक कितना निकाले आप तीन हजार सात सौ चौवालीस गुणे भागफल कितना दो सौ आठ, शेषफल कितना है बावन, बस हल कर दो आपका आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पर मैं हल कर दे रहा हूँ गुणा कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर आठ चौ को बत्तीस को दो, आठ चौ को बत्तीस तीन पैंतीस, आठ सात छप्पन, छप्पन तीन कितना होता है उनसठ को नौ,
आठ तरीके 24, 24 पांच 29, जीरो का गुणा करेंगे तो जानते हैं जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसका मान जीरो होता है। दो चौको आठ, दो चौको आठ, दो सात चौदह, दो तीन छह एक सात। अब देखो दो हो गया, पांच हो गया, यहाँ पर आठ, नौ सत्रह को सात, नौ सत्रह एक अठारह, दो एक चार छह, छह एक सात, यहाँ पे भी सात। कितना जोड़ना है, बावन जोड़ना है, बावन जोड़ दो, चार पंद्रह दस, आठ आठ सात सात, यानी कि इसका भाज्य कितना हो गया, 7,78,804। यही आपका आठवां का आंसर है। ये बताओ मेरे प्यारे भाई समझ में आया कि नहीं। जैसे जैसे आपका प्रश्न में कहेगा वैसे वैसे क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे। समझ में आई मेरी बात मेरे प्यारे साथियों? बताओ, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी। और नौवां सवाल आप देखते हैं मेरे प्यारे भाई, नौवां सवाल देखिए कैसे लगाते हैं। जब ना समझ में आए तुरंत क्या करो, बैक कर लिया करो, बार बार दोहराऊंगा नहीं मैं, जो बता रहा हूं उसे ध्यान से समझो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा। अगर समझ में आएगा तो एक ही बार में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो कई बार बताऊंगा तब भी नहीं समझ में आएगा। दोबारा देखना हो पीछे बैक कर लो। फिर देखो नौवां सवाल क्या कह रहा है, एक पेटी में 121 आम आते हैं, मतलब एक पेटी में 121 आम आते हैं, राम के गोदाम में ऐसी 1275 पेटी रखी है, तो बताइए गोदाम में कितना आम है। तो एक पेटी देखो, एक पेटी में आम, एक पेटी में आम 121, तो पूछ रहा है 1275 पेटी में आम कितना होगा, तो इसमें गुणा कर दो 1275 में, ये गुणा करना है बस। जब गुणा करोगे तो गुणा कर दो, चाहे इसको ऊपर लिखो चाहे इसको नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे ही बता देता हूँ, पांच एक कम पांच, पांच दुना के दस को जीरो, पांच एक पांच एक छह, छह सौ पांच आ गया। फिर सात एक कम सात, सात दुना के चौदह को चार, सात एक कम सात, सात एक आठ। फिर दो से गुणा करो, दो एक कम दो, दो दुना के चार, दो एक कम दो। फिर एक से गुणा करो, एक एक कम एक, दो एक दुनी के दो, एक एक कम, अब इसे जोड़ दो, पांच सात, यहाँ छह चार दस, दो बारह को दो, आठ चार बारह, बारह एक तेरह, तेरह एक हासिल तक चौदह को चार, दो दो चार एक पांच, यानी कितना आम रखे गए हैं, इतना आम रखे गए हैं। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं प्यारे साथियों? कभी ऐसा आप मत सोचो कि बड़ा है इसको नीचे रखें चाहे उसको ऊपर, जैसे प्रश्न कहा वैसे हम रख देंगे। ठीक, अब दसवां सवाल क्या कह रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। जो बच्चे ऐसे सवाल हल नहीं कर पाते हैं उसके लिए मैं जो बताने जा रहा हूँ वो रामबाण तरीका है, और आप इसे समझिएगा, ऐसे सवाल कभी आप गलत नहीं करिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो दसवां का पहला सवाल देखते हैं, ध्यान से समझने की आप कोशिश करोगे, गलती नहीं करोगे। तो कह रहा है चार बड़ा कोष्टक प्लस मझला कोष्टक, पांच छोटा कोष्टक। जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी तरह एग्जाम में आप लोग लगाइएगा, आपका कोई भी नंबर नहीं काटेगा। पहले सबसे पहले इसको हल करते हैं, छोटा कोष्टक है तो चार में से दो जाएगा तो दो, यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है तो मान लो ये गुणा चिन्ह है, प्लस यहाँ पर दो, यहाँ पर इस तरह, अब उसी तरह रख दो पूरा। इसी तरह एग्जाम में आपको लगाना है मेरे प्यारे भाई, नंबर दो नंबर का आता है। आप पहले फिर आप मझला कोष्टक करेंगे फिर गुणा करेंगे, देखो पांच गुणा के दस, दस दो बारह, दो यहाँ प्लस है तो सत्रह, अब बड़ा कोष्टक लिख दो यहाँ पर चार। अब देखो यहाँ पर चार, यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुणा, सत्रह बारह कितना होता है 29, 29 में चार का गुणा करो, चार नौ 36 को छह, 80 लगा तीन, चार दुना का आठ, आठ तीन 11, इसका यही आंसर है मेरे प्यारे भाई। ऐसा ही एग्जाम में आप लोग लगाएं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है देखो यहाँ पर, दूसरा सवाल इसका दसवां का दूसरा कह रहा है माइनस आठ गुणे प्लस 75 गुणे जीरो। मैंने क्या बताया था इसके पहले, गुणा की एक प्रगुण बताया था,
गुड़ा में मैंने ये बताया था प्यारे भाई कि -8 है, देखो यहाँ पर गुड़ा है ना, तो गुड़ा लिख दो। मतलब किसी भी संख्या में अगर 0 से गुड़ा करेंगे तो उसका मान 0 होगा। फिर देखो -8 हो चाहे कुछ भी अनंत तक हो, तो उसमें अगर 0 का गुड़ा करेंगे तो उसका मान 0 होगा, यानी कि इसका आंसर 0। बात समझ गए। अब देखो तीसरा सवाल क्या कर रहा है, दसवां का तीसरा सवाल कि 13 - 8 × 2 + 3। मैंने क्या बताया, सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे तो देखो यहाँ पर 13 - 8 × 16 और +3। एक बात याद रखना, यहाँ पर तुरंत घटाने मत लग जाना मेरे प्यारे भाई, पहले प्लस वाले को जोड़ना। देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ना, तो प्लस मानेंगे और 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब -16, जब 16 में से 16 घटाएंगे तो 0, यही हमारा आंसर। पूरी बात समझ में आई। आप ये बताओ मेरे प्यारे साथी, क्या जितना मैंने बताया आपको समझ में आया? जब समझ में आ गया तो चलो आगे सवाल देखते हैं मेरे प्यारे भाई। इसे लगाओ दोस्तों आप लोग, सीधा सवाल है, कह रहा है कि ग्राफ 3abc - 2ab² - 5abc + 3ab² को सरल कीजिए। आइए देखते हैं ग्राहों को सरल करते हैं। कह रहा है ध्यान से समझना, इसमें कुछ है नहीं। कह रहा है 3ab से - 2ab² - 5ab से + 3ab² सबसे पहले देखेंगे किसमें समान लेटर का प्रयोग। देखो यहाँ पर भी 3abc है, यहाँ पे abc है, यहाँ 3ab² है, यहाँ पर देखो ab² है ना, इसको इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें आगे वाले अंक पर ध्यान देना है। सबसे पहले करना क्या, ध्यान देखना, इसको इसके साथ रखो 3ab² - 2ab² यहां पर देखो इसको इसके साथ रखो। जब यहां पर इसके साथ रखेंगे, देखना ध्यान से, तो मैं यहां पर इसके साथ रख गया 3ab से - 5abc। ठीक, यहां देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को हम लोग सॉरी दोस्तों 1 को हम लिखते नहीं है, तो 1 को जब लिखेंगे नहीं तो केवल क्या बचेगा ab² यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो प्लस है माइनस है, तो ये माइनस वाला अंक बड़ा है ना, तो यहाँ माइनस, अब 5 में से 3 जाएंगे तो 2, अब क्या है abc, तो abc। अब प्लस माइनस का गुणा जब करते हैं मेरे प्यारे भाई तो ये माइनस हो जाता है, यानी कि हमारा जो मान होगा यही मान होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस बस समझ में आ गई। और बरामा आपको सवाल मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताया कि कैसे हल करते हैं, तो बरामा आप लोग मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, कर लेंगे कि हल करना पड़ेगा। बताइए आप लोग, हल करना तो नहीं पड़ेगा, हल अगर करना है तो हम हल कर लेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, या कुछ भी अंक करेंगे तो 3 का गुणा -14 बल मझला कोष्टक है, मझला कोष्टक लिख दो, यहाँ पर -16, यहाँ पर देखो जैसे है वैसे रखते जाओ दोस्तों। अब मझले कोष्टक को हल करते हैं, देखो यहाँ पर 3 * 9 और 9 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, घट गया 121 भागे, देखो 16 में से 5 जाएगा तो कितना 11 11 के भागे 1 में देंगे तो कितनी बार 11 बार, यही इसका आंसर। बस बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर कह रहा है क्या इसको हल करना है 13वें को, ये बताओ समझ में आ गई? चलो 13वां सवाल भी देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई, हल करो आप लोग 13वां को। 13वां हल करिए तुरंत तत्काल एकदम। देखो मेरे प्यारे भाई 13वां कह रहा है 8/9 प्लस कोष्टक में -4/9 का मान बताइए, तो 8/9 प्लस में से गुणा करेंगे तो -4/9। जब किसी का हर बराबर हो तो उसके समान अंकों को घटा देते हैं, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और नीचे 9, यही हमारा आंसर। बस अभी बताओ आपको समझ नहीं आ रहा है? 14वां सवाल बताओ, कह रहा है a + b = -b, तो देखो a + b और गुणे a - b ये किसका सूत्र है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बस हो गया आंसर। फिर पंद्रहवां सवाल क्या कर रहा है, पंद्रहवां सवाल देखो कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का मान होगा, मतलब 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब उल्टा, यानी गुणा का उल्टा, मतलब जो नीचे रहेगा ऊपर हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा और नीचे, यानी कि 2/3 हो जाएगा, यही इसका मान है। अगर यहीं पर क्या करता है योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम जैसे में होता है, देखो बता दे रहा हूं, इसमें सवाल पूछा है लेकिन बता देता हूं, अगर पूछ देता 3/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम का बस चिन्ह क्या आता है, दूसरा आ जाता है, जैसे प्लस है ना तो बस इसके पहले -2, ये इसका है, क्या आ जाएगा योगात्मक। अगर मान लो यही दिया रहता -2/2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो अंक बदल दे रहा हूं मैं यहाँ पर, -11/17 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो जब माइनस रहेगा तो किसमें बदल जाएगा, प्लस में, अब बस 11/17, ये बात है समझ में आ गई। गुणात्मक प्रतिलोम करेगा तो ऊपर का नीचे बस करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर अगर माइनस कर देता है, यहाँ पर इसका अगर पूछ देता है कि -11/17 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, तो बस करना क्या, गुणात्मक मैंने कहा ऊपर के नीचे, उस चिन्ह इसको ही मतलब -17/11 ऐसे करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आपको सब बातें समझ में आ रही होगी। अब देखो 17वां का क्या कर रहा है, 17वां पहले 16वां देख लेते हैं, बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं 15वां, मुझे आशा उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर करते हैं 15वां सवाल देखते हैं मेरे प्यारे भाई, 15वां तो हो गया, 16 और 17 देखते हैं। एग्जाम में हमें हर एक नंबर पर लेना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, जब छोड़ना नहीं है तो पूरा सवाल अच्छे से पढ़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पर 16वां सवाल तो क्या कह रहा है, a-b -2a को सरल कीजिए, जब सरल करेंगे तो देखो माइनस का जब गुणा है यहाँ पर, माइनस माइनस के अंदर गुणा प्लस है, प्लस में से गुणा करेंगे तो माइनस बी, अब माइनस माइनस प्लस 2a, देखो ये भी a है यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पर एक है a का 2 3a और माइनस बी, यही इसका आंसर। अब 17वां क्या कर रहा है, ध्यान से जाना, एक तत्व से आप क्या समझते हैं, योग तत्व गुणात्मक तत्व आपको बताया था याद होगा, योग तत्समक, जब किसी भी संख्या में, जब किसी भी संख्या में एक जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, उसे ही योग तत्समक, योग तत्समक कहते हैं। जैसे एक में अगर 10 जोड़ेंगे तो 10 ही प्राप्त होगा, तो 100 में एक जोड़ेंगे तो हमारा 100 ही प्राप्त होगा, यही योग तत्समक है दोस्तों। ये बताओ आपको पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे प्यारे साथी, मैं आपको कुछ नोट्स बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान समझना चाहिए, यही बता दे रहा हूं, देखो यहां पर नोट करके लिख लेना। पहला, अगर किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, अगर किसी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 प्राप्त होगा किसी भी संख्या में। अगर तीसरा पॉइंट, अगर 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, 0 में ध्यान समझना जो बता रहा हूं, 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा, लेकिन यही के उल्टा, अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते, 0 से 0 ऐसे मत कटाने लग जाना, गलत हो जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित मान प्राप्त होता है, यानी परिभाषित नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछे 0 का
विपरीत क्या होता है? तो जीरो का विपरीत क्या होता है? तो आप जीरो का विपरीत परिभाषित नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? इस पॉइंट को क्या रखना, याद रखना। और आपका जो इस चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों, कौन गुणा और भाग की श्रृंखला है, ये खत्म हुआ, ठीक है? आगे से कल हम नया चैप्टर देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपनी पढ़ाई दमदार रखिए और बहुत ही मेहनत करिए और अच्छा करने की कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों? आज के लिए इतना ही, नमस्कार।